बहनों और उनके भाइयों, आज मैं आप लोगों से कोरोना सेकेंड वेव के बारे में बात करूंगी। नहीं, ये वाली तो न्यूज में आती रहती है। आज मैं बात करूंगी इन वायरस के बारे में जो कोरोना रिटर्न्स की तरह फिर से आ गई है। बहनों और उनके भाइयों, आप इन वायरस को तो जानते ही होंगे। हाँ, वही इट्स हर चॉइस वाली। नहीं, 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ये वायरस बॉलीवुड का ही और एक नमूना है। अरे क्या बोल रहे हो, आप लोगों ने नहीं देखी इनकी फिल्म? अरे है ना वो चुप चुप के, फिर सिंग इज किंग में। अरे है, सच्ची बोल रही हूँ मैं। पर वायरस है ना, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं देती। ये मैडम फिर से आ चुकी है। अरे धूम मचाने नहीं, अपने बेइज्जती करवाने। हाय, दिस इज नो फैंस एंड लेट्स स्टार्ट। यार कैसे कर लेते हो यार तुम सब? I can't do it. बार बार वही गाने पे वही स्टेप, इसको कंटेंट कहते हो? मतलब कुछ भी करोगे? I'll tell you my issue with all the content on social media. अगर कंटेंट क्रिएट करना है ना तो कुछ ओरिजिनल करो, कुछ नया करो। अदरवाइज रिमेंबर वन थिंग, यू आर वेस्टिंग इंटरनेट। अरे क्रिएटर बनो यार, फॉलोअर नहीं। अरे दीदी, ओ सॉरी आई मीन आंटी, क्या बोल रही हो आप? आंटी जी पहले खुद का अकाउंट तो देख लेती। आंटी जी खुद इस म्यूजिक पे वीडियो बनाती हैं और फिर खुद ही ज्ञान देने आती हैं। फिर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि इट्स हर चॉइस। ओरिजिनल करो। क्या बोला तूने? ओरिजिनल करो, पहले सुनो। नेहा नाम की लड़कियां ना ओरिजिनल की बात नहीं करनी चाहिए। क्रिएटर बनो यार, फॉलोअर नहीं। नेहा धुपिया की फॉलोअर प्लीज अनफॉलो कर दीजिए क्योंकि मैडम खुद बोल रही है। You're wasting internet. रुको, अभी और है, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो और आएंगे हमें ज्ञान देने। Guys, I just saw नेहा धुपिया's video trying to dance and catch up on the trends. नेहा तू बहुत फनी है यार, क्या रोस्ट किया तूने क्रिएटर्स को। कम ऑन क्रिएटर्स, स्पीक अप, डिफेंड योरसेल्फ्स। यार कुछ ओरिजिनलिटी रही नहीं। नेहा सही बोल रही है यार, वही सब चेप के कॉपी पेस्ट हो रहा है। टैलेंट तो तेल लगाने गया है यार, मैं पक चुकी हूँ यार। प्लीज क्रिएटर्स कुछ करो। बोल भी कौन रहा है, देखो इनको तो आप जानते होंगे ना। अरे वही जो जज बनती है हर जगह। सिर्फ जज ही नहीं बनती बल्कि डिजास्टर फिल्में भी देती है हमें, जैसे कि टीज मार खान, हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, पता है तुम लोग बोलोगे अभी ओम शांति ओम। जिनको नहीं पता उनको मैं बोल रही हूँ कि ओम शांति ओम एक ओरिजिनल फिल्म नहीं है, ये कॉपी किया हुआ फिल्म है। और ये मत समझना कि ये साउथ इंडिया के या फिर हॉलीवुड से कॉपी किया हुआ है, ये खुद अपने घर के ही फिल्म में कॉपी करती है। यार कुछ ओरिजिनलिटी रही नहीं। हाँ जी, ये भी ओरिजिनल की ही बात करती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही पे खत्म नहीं होती, ये लोग ग्रुप चैट में भी अपना ज्ञान देते हैं। कौन सा? वो स्पीक अप क्रिएटर्स। ऑफ कोर्स, क्या आपने किया ना, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, मैं सब देख रहा हूँ। यू नो आई फील एंड फारा, यू फुली अग्री विद मी ऑन दिस बिकॉज़ वी हैड दिस कन्वर्सेशन बिफोर। इट जस्ट लैक्स सो मच ओरिजिनलिटी। नेहा ने करेक्ट बोला क्योंकि सब है ना ट्रेंड, एक ट्रेंड आता है फिर सब वही ट्रेंड फॉलो। ओह माय गॉड, ये है हमारे हीरो SSR की लास्ट फिल्म बनाने वाले दिल बेचारा का डायरेक्टर, जो फिल्म एक्चुअली एक हॉलीवुड फिल्म से किया हुआ है। ये लोग मिलके रियल कंटेंट की बात कर रहे हैं। पर ये लोग सडनली ओरिजिनल कंटेंट की बात क्यों कर रहे हैं जबकि ओरिजिनल कंटेंट इनके खोपड़ी में घुसता भी नहीं है। अरे इंडिया में एक नया जो ऐप आ रहा है जिसका नाम है रोपोसो। क्या रोपोसो? अच्छा तो ये बात पहले ही बोलना चाहिए ना, बेकार में मैंने इतना टाइम बर्बाद किया। वही होता ना, कॉपी करो पेस्ट करो। बट मुकेश, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक द चैलेंज इज? लाइक इज इट बिकॉज़ यू नो पीपल डोंट हैव इनफ फॉलोअर्स और पीपल डोंट हैव द राइट ऑडियंस, दैट्स व्हाई दे स्केयर्ड टू क्रिएट समथिंग? नो, ना इनफ ओरिजिनलिटी यार। ओरिजिनलिटी दे नीड टू। और ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह। तो बहनों और उनके भाइयों, इस कहानी से क्या समझे? अरे घंटा क्या समझना है? पैसा ही पैसा होगा। तो यही पे मेरा ये वीडियो खत्म होती है। चलिए आज मैं टारगेट करूंगी लाइक की।
हाँ हाँ हंसो हंसो। चलिए टारगेट करते हैं 1 लाइक की। अगर 1 लाइक आए तो नेक्स्ट वीडियो उर्वशी रोटेला के ऊपर बनाऊंगी। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा। मतलब कुछ भी करोगी।